आखिरकार प्रोपेगेंडा बताकर मूवी को लाइमलाइट से दूर करना और इसे डार्क में ढकेलने के काम जिस तरह से विपक्ष ने किया था, या तो जो लेफ्ट विंग पार्टी है इन्होंने किया था, उससे कहीं दूर मूवी ने आज 200 करोड़ से भी ऊपर का बिजनेस कर लिया है। हैरानी उन सबों को होती होगी जो इसे प्रोपेगेंडा बताकर किसी भी तरह से किसी भी राज्य में रिलीज नहीं होना देना चाहते थे। उनके लिए एक मुँह में एक ज़ोरदार तमाचा है। जब उनकी सोच में इस मूवी को प्रोपेगेंडा बताकर बाहर रखने का जो षड्यंत्र झेला गया था वो किसी भी एंगल से दुर्भाग्यपूर्ण था। मूवी के बारे में बिना देखे ये जज कर लेना कि ये मूवी जो है ये दो समुदाय के बीच में कट्टरपंथा लाती है, ये एकदम से हट के है। आप कभी मूवी अगर देखे नहीं है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में मैंने एक पिंक लिंक शेयर किया है जिसे आप डायरेक्ट मूवी देख सकते हैं। रही बात द केरला स्टोरी के बारे में, बहुत सी सरकारें, बहुत सारे विपक्ष के दल, बहुत सारे पक्ष के दल इसमें दलील देते रह गए कि ये पिक्चर जो है सत्य घटना पर आधारित है। किसी ने बोला कि नहीं, ये सत्य घटना नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है, सरकार इसमें बहुत ध्रुवीकरण राजनीतिकरण कर रही है। केरल में चुनाव है, केरल के चुनाव जीतने का प्रसार चल रहा है, कर्नाटक का चुनाव हुआ, कर्नाटक का चुनाव में इसका भी फायदा उठाया गया, ये सब चल ही रहा था। तब आपने देखा होगा कि द केरला स्टोरी जो है वो क्या संवेदना दी, क्या कहानी में क्या आपको क्या संदेश दिया। उन्होंने संदेश दिया कि जो है मुस्लिम जो गर्दिश में है, जो मुस्लिम के जो ICIC प्रमुख हैं, वो खासकर इंडिया में ऐसे ऐसे लड़कियों को चूज करते हैं जिसको उनको जो उन्हें आराम से ब्रेनवॉश करके इन सब जो स्लीपर बम है या ICIS के जो प्रमुख कारनामे हैं उनमें उसको सम्मिलित किया जाए। तो मूवी जो बताती है कि लड़कियों के जो बेसिक नीड्स हैं अगर आप उसे पूरा कर देते हैं, बेसिक फंडामेंटल्स उसके बारे में उनको नहीं बताते हैं, तो हर एक लड़की जो केरला स्टोरी में दिखाई गई है, चाहे फातिमा हो जिसका अभिनय आधा शर्मा ने किया है, आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये लड़कियां इस चुंगुल में कैसे जाते हैं। पिक्चर को आपको देखने के बाद ये तो सीरियसली हो जाएगा कि आपके साथ या आपके अगल बगल में भी शायद कोई ना कोई इस तरह का घटना अंजाम दे ही रहा होगा। रही बात पिक्चर से हटकर राजनीतिकरण करने का, तो राजनीतिकरण जिसको जो करना है कर ही रहा है। आपको उसमें नहीं पढ़ना है, आपको मुद्दा समझना है। मुद्दा समझने के साथ आपको ये चीज़ भी जानना है कि आप अपने धर्म अपने समाज के प्रति कितने वफादार हैं और आप अपने घर में किस तरह की संस्कृति आप पाल रहे हैं। आप अगर अच्छी संस्कृति पाले हुए हैं तो आपको इसमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने गलत का संगत किया हुआ है और गलत रूप में है तो आपको इस मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी बातें हम इस वीडियो के बाद में भी करेंगे, लेकिन आप एक बार इस मूवी को ज़रूर देखने, ये हमारा एक निष्पक्ष राय है कि आप एक बार मूवी को ज़रूर देखें ताकि आपको ये चीज़ पता चल सके कि मूवी में एक्चुअल में आपको दिखाया जो गया है वो किस तरह से आपके मनोस्थिति से खेला गया है। आप जब लड़कियां इस मूवी को देखेंगे तो मेरे को लगता है कि आपके जो लव एंगल के पॉइंट्स हैं वो सरासर खारिज हो जाएंगे। आपको इंटरकास्ट जो दिखाई देता है उतना जो दिखाया जाता है पिक्चरों में उससे कहीं ज़्यादा डार्क रियलिटी दिखाई देगा। आपको अपने माता पिता पर पूरा भरोसा करना चाहिए, आपको अपनी संस्कृति सभ्यता को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए ताकि आप किसी भी तरह से चंगुल में ना फंसे। ये मूवी इस चीज़ को बताती है कि आप अपनी संस्कृति से प्यार करिए, उसको जोड़ से समझिए, ये नहीं कि केवल मन में राम बगल में छुरी वाला कहानी से पूरा हटके जाइए। आपको पूरे पता चल जाएगा कि आपको अपनी संस्कृति बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। मूवी में बहुत सारे सीन ऐसे हैं जिसमें आपको देख के हैरानी होगी और आपको उस फील को जब आप इसको फील करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जब किसी के साथ ऐसा घटना होता है और तो किस तरह का अनुभव उन्होंने साझा किया होगा। मेरी राय यही है द केरला स्टोरी को जज करने से पहले सभी को मैं बोलना चाहूँगा कि आप एक बार पिक्चर देखें, उसके बाद गहन नियम विचार करें कि जो इसको प्रोपेगेंडा बता रहे हैं आखिर उनका क्या मकसद था, और जो राइटर है अगर ये पिक्चर किसी ने बनाया है तो किस बेसिस से बनाया होगा, उनमें तो कुछ तो सच्चाई होगी, नहीं तो कौन कहानी इस तरह के लिखते हैं। आप किसी भी कहानी को देखिए, कुछ ना कुछ सच्चाई आपको वहाँ से मिल जाएगी। आप अपनी संस्कृति बचाने के लिए इस मूवी को तो कम से कम एक बार देख ही सकते हैं।